Hey guys, Assalamu Alaikum, I'm Hussain and welcome to my YouTube channel Education Made Simple. Today, friends, we're gonna continue with where we left in the voice section video. आज की वीडियो में दोस्तों जो हमने वॉइस वाली वीडियो स्टार्ट करी थी उसे हम एक स्टेप आगे जाएंगे और आज मैं आपको जो बेसिक सेंटेंस कन्वर्जन है वो सिखाऊंगा. एडवांस सेंटेंस कन्वर्जन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे. Now, what is advanced sentence conversion? For example, if someone says that open the door, now how will you convert? Our general rule of tenses will not apply here. It will be let the door be opened. So, इस तरह से ये हम next video में सीखेंगे. आज के video में हम जो हमने sentence tense conversion सीखा था, we'll work on that and we'll learn the pronoun conversion as well. So, friends. वीडियो स्टार्ट करते हुए आई विल टेल यू फ्यू थिंग्स. एक तो मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, एक न्यू चीज़ होने वाली है. आई रिक्वेस्ट यू टू नोट इट डाउन फर्स्ट ताकि वीडियो में आगे जाके आपको ये हेल्प करेगी. सो जो सेंटेंस कन्वर्जन के रूल्स हैं वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, उसका एक बहुत छोटा सा ओवरव्यू मैं अभी भी दूंगा. फर्स्ट विल स्टार्ट द प्रोनाउन कन्वर्जेशन. फॉर एग्जाम्पल प्रोनाउन कन्वर्जन. Pronoun change. See, if subject हमारा I है तो it will be converted to me. Okay? For example, I wash the clothes are washed by me. If subject is he है तो it will be converted to him. Okay? She, it will be converted to her. They, it will be converted to them. Okay? If it is we, it will be converted to us. Okay? If it is my, it will be converted to mine. Okay? Samajh mein aaya? ओके एक बार दोबारा बताता हूँ. अगर ये प्रोनाउन कन्वर्जन है, अगर सब्जेक्ट आए है तो मी बनेगा, ही है तो नेक्स्ट सेंटेंस यानी पैसिव वॉइस में हिम हो जाएगा, शी है तो हर हो जाएगा, दे है तो देम हो जाएगा, वी है तो अस हो जाएगा, माई है तो माइन हो जाएगा. दैट विल बी आवर प्रोनाउन कन्वर्जन. ओके आई आस्क यू टू राइट इट डाउन सो आपको आगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे इट विल हेल्प यू. नाउ we'll move on. एक बार और मैं टेंस का कन्वर्जन का एक बेसिक रूल बता देता हूँ आपको. I'll tell you the conversion of tenses. How do we do that? In a simple form that I'm going to tell. So we'll learn about that. You also note that down. उसके बाद हम sentences की practice करने वाले हैं. Tense conversion. Last video my friends, I told you a very very simple method of doing that. I'll tell that method again. पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपको एक बहुत आसान तरीका समझाया था, उसी तरीके को हम अब दोबारा मैं आपको लिखवा देता हूँ रूल और फिर प्रैक्टिस जब करेंगे तो हम उसे अच्छे से समझ जाएंगे. सिंपल सेंटेंस, सिंपल टेंस, तीनों का प्रेजेंट भी, पास्ट भी एंड फ्यूचर भी. Simple to continuous की helping verb. Simple tense जौन सा भी होगा, चाहे present का, चाहे past का, चाहे future का, उसमें उससे अगले वाला जो tense है यानी कि continuous tense जो होगा उसका, उसकी helping verb लग जाएगी. For example, do does या SES अगर है तो ये बदलेगा is, am, are में. ओके डिड या सेकेंड फॉर्म अगर है वर्ब की तो ये बदलेगा was, were में और will, shall अगर है तो ये बदलेगा will be, shall be में.
क्लियर है दोस्तों, राइट इट डाउन सो दैट हम आगे इसे समझ सकें. नेक्स्ट रूल सिंपल का हमने समझ लिया. मैंने आपको बताया था देर विल बी नो पैसिव वॉइस फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस. सो सिंपल टेंसेस वी हैव स्टडीड, नाउ विल स्टडी कंटिन्यूअस टेंसेस, देन विल गो टू परफेक्ट टेंसेस. कंटिन्यूअस टेंसेस में दोस्तों बहुत सिंपल रूल है. कन्वर्जन में सेम HV प्लस बीइंग, कुछ नहीं होगा. सेम HV सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर या वॉज वर या विल बी शैल बी, जो भी सब्जेक्ट के हिसाब से लगनी है, प्लस बीइंग. सो वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द हेल्पिंग वर्ब, देयर विल बी सेम हेल्पिंग वर्ब दैट विल डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट, प्लस वी विल जस्ट एड बीइंग टू द पैसिव वॉइस. ओके, नाउ परफेक्ट फॉर परफेक्ट टेंसेस, वेरी इजी दोस्तों. सेम HV प्लस बीन, इसमें भी दोस्तों सेम हेल्पिंग वर्ब में हमें सिर्फ बीन ऐड करना है. सो वी विल गेट आवर पैसिव वॉइस डन, इजी एज दैट. सो राइट दिस डाउन ऑल्सो, नाउ वी विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट. सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिस दोस्तों. पहले वी विल प्रैक्टिस सिंपल टेंसेस. ओके, आई एम राइडिंग, I play cricket. Okay? Now, जो मैंने पहली वीडियो में आपको रूल बताया था क्या था, that subject will be changed to object and object will be changed to subject. बीच में we'll have to put the word by and we'll use the third form. As easy as that. तो करते हैं. क्रिकेट, अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में रूल लिखवाया कि अगर सिंपल टेंस है सो वील यूज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ इट्स कॉन्टिन्यूस टेंस. तो ये प्रेजेंट सिंपल है दोस्तों. सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, इज एम और आर. क्रिकेट इज सिंगुलर सो वील यूज इज. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय एज आई सेड आई का कन्वर्जन में क्या बनना है, मी. सो दैट इज द पैसिव वॉइस. क्लियर, वेरी इजी. नेक्स्ट सेंटेंस, He cooked the food. उसने खाना बनाया. He cooked the food. Which tense is this, दोस्तों? Simple past. Let's do the conversion. As I said, he will be converted to him. Subject will be converted to object and object will become subject. So, it will be like this and this will be third form. Clear? So the food, again this is simple past, according to rule we'll use the helping verb of next tense, so that will be past continuous. So was over, food is singular so we'll use was. Food was, it is also a third form, cooked. We'll use by, he का बनेगा him. Clear है? I hope you got this. Let's move ahead. Thank you.
children are singing a song. That means बच्चे गाना गा रहे हैं. विल यूज द सेम थिंग. ओके नाउ दिस इज कॉन्टीन्यूअस. कॉन्टीन्यूअस में मैंने आपको बोला था सेम टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस बींग. सो वॉट विल बी सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. अ सॉन्ग दिस विल बी लाइक दिस. दिस सिंगिंग नो थर्ड फॉर्म प्लस बींग. सॉरी थर्ड फॉर्म. अगर आ जाइए सेम हेल्पिंग वर्ब प्लस बींग. सो इट विल बी अ सॉन्ग. सॉन्ग इज सिंगुलर सो विल यूज इज बींग. थर्ड फॉर्म सिंग की थर्ड फॉर्म संग. चिल्ड्रन के लिए हम बाय यूज करेंगे. बाय चिल्ड्रन. क्लियर है दोस्तों. आई होप यू गॉट दिस ईजी. सो नाउ नेक्स्ट वन मोर आई विल टेल यू फॉर दिस. शी वॉज वॉशिंग क्लोथ्स. ओके नाउ विच टेंस इज दिस. वॉज वॉशिंग. वॉज वॉशिंग मीन्स पास्ट कंटिन्यूअस. Same rule, subject to object, object to subject. अब क्योंकि continuous है तो plus being and third form. So, change करते हैं. The clothes. Clothes is plural, so we'll use were. Were being. थर्ड फॉर्म वॉश्ड. बाय वो चेक करिए मैंने आपको क्या लिखवाया था. शी विल बी कन्वर्टेड टू हर. डन डन. वेरी इजी. ओके नाउ एक परफेक्ट का भी करा देता हूं. Sohan has done the job. मतलब सोहन ने काम कर दिया है. सो अब टेंस परफेक्ट का रूल मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों. वेरी इजी. सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. परफेक्ट है तो सेम हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन. और ये तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है. नो चेंज. क्लियर. और बाय से हम सेंटेंस यूज करेंगे. सो चेंज करते हैं. द जॉब सिंगुलर सो विल यूज हैज ओनली. हैज फिर बीन. डन बाय सोहन. क्लियर. आई होप दोस्तों आपको ये सिंपल कन्वर्जन समझ में आए हो. आई होप यू अंडरस्टूड द सिंपल कन्वर्जन ऑफ टेंसेस. इफ देर इज एनी डाउट यू कैन प्लीज मेंशन इन द कमेंट. वील लर्न द एडवांस कन्वर्जन इन द नेक्स्ट वीडियो. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो लर्न समथिंग. अगर आपको ऐसे ही और कुछ सीखना है. इफ यू वॉन्ट टू लर्न मोर थिंग्स प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. स्टे विद मी एंड इंशाल्लाह वील बी लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच. Yeah.